लगातार लखनऊ थाने की पुलिस का गुड वर्क, नकली प्रतिबंधित दवाओं और फूड सप्लीमेंट के जखीरे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। अवैध और असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके रातों रात पैसा कमाने की हवस क्षणिक सुख तो प्रदान कर सकती है, पर यही अवैध तरीके व्यक्ति को अपराधी बनाकर ही छोड़ते हैं। जी हाँ, आज एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाला बाजार थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लाखों रुपए की विदेश से आयातित नकली और प्रतिबंधित दवाओं और सप्लीमेंट के साथ दो आरोपियों अश्वत और जमील को गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि एवरेडी चौराहे के पास ड्यूटी के वक्त एक मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक पवन कुमार और कांस्टेबल विजय शंकर ने भाजपा का झंडा लगाए हुए एक टाटा चेस्ट गाड़ी, जिस पर टेम्परेरी नंबर UK 17-0625 पड़ा हुआ था, उसको रोकने का प्रयास किया। गाड़ी चालक ने पुलिस को देख कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। पुलिस द्वारा गाड़ी का पीछा किया गया और हैदरगंज चौराहे के पास पुलिस द्वारा गाड़ी को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान गाड़ी से भारी मात्रा में नकली एवं प्रतिबंधित दवाएं और फूड सप्लीमेंट बरामद हुए, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह और खतरनाक हैं। इन दवाओं और सप्लीमेंट की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये दवाइयां मेरठ से लेकर आए हैं और लखनऊ के जिमों यानी कि व्यायाम शालाओं में बेचने जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की थाला बाजार पुलिस के हाथ आज एक बड़ी सफलता लगी। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक पवन कुमार और कांस्टेबल विजय शंकर ने नाकेबंदी करके एक दवाई, नकली दवाओं और प्रतिबंधित दवाओं के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। देखिए एक रिपोर्ट। आइए हम आपको गाड़ी दिखाते हैं जिसके अंदर रखी हैं दवाइयां, जो नकली दवाइयां, प्रतिबंधित दवाइयां और जो फूड सप्लीमेंट जो यहां पर लाए जा रहे थे, इसी गाड़ी इसी वाहन के अंदर, जो कि टाटा चेस्ट ये वाहन है। आइए आपको इसका नंबर दिखाते हैं। ये नंबर UK 17 टेम्परेरी नंबर पड़ा हुआ है और अभी तक इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है। और अर्दम में लेने के लिए यहाँ पर गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा लगाया गया है, देखिए, ताकि कोई सवाल ना कर पाए। यदि कोई सवाल करने आता है तो उसको अर्दम में लिया जा सके, उसको दबाव में लिया जा सके, इसके लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया गया है। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। क्या सर मामला बताएंगे आप? मामला ये है कि मैं सहायक मुझे दूरभाष पर सूचना दी गई कि एक गाड़ी से कुछ जो टाटा जिसके कुछ दवाइयाँ पकड़ी गई हैं उसको आकर के जांच करें एवं कार्रवाई करें। इसकी सूचना के आधार पर हम अपने टीम के साथ अदालत थाला बाजार आए और देखा कि गाड़ी से निकालने पर देखा कि विभिन्न प्रकार की इंजेक्शन दवाइयाँ जो है गाड़ी में रखी गई थी, जिसको निकाल करिए हम लोग सैंपलिंग में आए और सैंपलिंग हम लोग किए हैं। उसमें इंजेक्शन है, नेट्रोलेन डेपोनेट है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राजॉल है, ये जो हार्मोनल है और जो एनाबोलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है और बॉडी को भी नुकसान ये करता है इससे, और ये बैड एक्टिविटी क्यों ली रहता है सर? क्या इसका बॉडी में क्या यूज़ होता है इसका? बॉडी को ये एनाबोलिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और जिससे बॉडी जो होती है वो एक तरीके से ग्रोथ हो जाती है, मस्कुलर ग्रोथ हो जाती है और उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा वो बॉडी पे ग्रोथ हुआ। तो ये एक्चुअली प्रतिबंधित है, लेकिन ये लोग ले जा रहे थे, पकड़ा गया, सैंपलिंग दिया गया और सैंपलिंग में हमारे इंस्पेक्टर जो है रायबरेली के दीपक शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर दीपक शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार सीतापुर और माधुरी सिंह ड्रग इंस्पेक्टर लखनऊ में उपस्थित हैं। इनके उपस्थिति में सारी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होने के बाद ये नमूना भेजा जाएगा, फेल होने के बाद ये मंसर का। कहाँ से आया था सर ये सामान? ये दवाई बता रहे थे कि ये मेरठ से लेके आ रहे थे, बताए हैं जैसा कि, और इसमें शामिल जो है मिस्टर जमील एंड जमील जो है वो गाड़ी का ड्राइवर है और दूसरा है असद जो उसका मालिक। सर गाड़ी की जांच की जाएगी, गाड़ी उत्तराखंड की है, नंबर तो उत्तराखंड के पड़े हैं। ये जांच जो है और कार्रवाई जो होगी वो पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी, जो भी निर्माण कार्रवाई पुलिस द्वारा। तो सर यहाँ पे मेरठ से लेके दवाई आ रहे थे, लेके कहाँ जा रहे थे? अब ये लेके बेचने के लिए यही लखनऊ में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो आपको कहाँ से सूचना? जिनको हम बेचते हैं, जिन वालों को बेचते हैं। आपको कहाँ सूचना मिली थी? जिनसे मिली, क्या सूचना? नहीं, हमको सूचना थाने से मिली थी, थाने के यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पूरी टीम के साथ।